अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से कलौटी कबाब, लखनऊ के बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा मज़ेदार मुंह में घुल जाने वाले कलौटी कबाब, जिसका मतलब ही कलौटी का मीन्स है कि मुंह में घुल जाने वाले कबाब। तो बहुत ही ईजी रेसिपी से आपके लिए लेके आई हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कीमा ले लिया है ये मैंने मिन्स, यानी कि हाफ के जी है ये मेरे पास। आप चाहे तो मटन चिकन किसी का भी ले सकते हैं, बट बेस्ट जो है वो बीफ का रहता है और बहुत ही मज़ेदार से उससे जो है वो हमारे कबाब्स रेडी होते हैं। तो कीमे को अच्छे से जो है हमने एक और दफ़ा मशीन से पीस लिया है, और ये देखिए इसका टेक्सचर बिल्कुल इस तरह हमें गलावा यानी कि कीमा चाहिए। तो एक दफ़ा आप इसको घर में इसको चॉपराइज कर लीजिएगा। कुछ स्पाइसेस हैं जो रोस्ट होंगे, जिसमें मैंने लिया है लौंग, दो अदद हरी इलायची, दालचीनी यानी सिनेमन, ज़ीरा जो है मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, और कोरिएंडर सीड्स यानी कि साबुत धनिया 1/2 टेबल स्पून, एक बड़ी इलायची यानी ब्लैक कार्डमम, 3 जो है वो मैंने लौंगी मिर्ची लिए हैं साबुत, आप गोल वाली भी ले सकते हैं, ब्लैक पेपर होल 1/2 टेबल स्पून है, भुने हुए चने जो होते हैं हमारे वो मैंने ले लिया है अराउंड 1 टेबल स्पून, आप चाहे तो बेसन भी ले सकते हैं बट चने ज़्यादा बेहतर हैं, और कुछ कैश्यू ले लिए। इन तमाम चीज़ों को हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम इन तमाम चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। एक फ्राई पैन ले लिया है मैंने, या जिसमें भी तवे में जिसमें भी आपको उसको रोस्ट करना हो बिल्कुल इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो बस पैन थोड़ा सा गर्म करके तमाम चीज़ों को हमने जो है वो इसमें डाल देना है, और 5 से 6 मिनट के लिए इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है मीडियम फ्लेम में, और फिर हम इसको कूल ऑफ करके इसका जो है वो पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। तो बहुत अच्छा सा हमारा जो है वो मसाला रेडी हो जाएगा। बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट्स हैं ये कबाब के, तो बहुत ही मज़ेदार से और बहुत ही खुशबूदार और टेस्टी कबाब इससे हमारे रेडी होते हैं। तो बहुत ही ये फ्रेश मसाला जो है हम पीस के अपने पास सेव करके भी रख सकते हैं आराम से, ताकि जब भी दिल चाहे हम ये मसाला कबाब में इस्तेमाल कर लें। तो देखिए कीमे में अब हमने जो है वो ऐड करना है कुछ स्पाइसेस, जिसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको ऐड कर लीजिएगा। साथ में मैंने इसमें ऐड किया है 1/2 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, और साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी 1/2 टीस्पून, साथ में मैंने इसमें ऐड किया है अनियन, फ्राई अनियन रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ मैं अराउंड 3 टेबल स्पून, आप चाहें तो फ्रेश जो है वो यूज़ कर लीजिएगा, और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है मैंने, और अब जो मैं इसमें मसाला जो मैंने ग्राइंड किया था ड्राई रोस्ट करने के बाद वो ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून। तो बहुत ही फ्रेश और मज़ेदार सा ये हमारा मसाला होता है, तो ये मैं अराउंड 3 टेबल स्पून यूज़ करूँगी। बहुत ही इसकी एक बहुत ही अच्छी खुशबू होती है, क्योंकि बहुत ही सारे मसाले हमारे इसमें फ्रेश गए हैं। अच्छा जी, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मीट टेंडराइज़र पाउडर। आपके पास अगर कच्चा पपीता यानी कि कच्चा पपीता का पेस्ट है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं अराउंड 1/2 टीस्पून। मेरे पास नहीं था तो मैं मीट टेंडराइज़र पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि बहुत ही अच्छा सा जो इसमें गलावट आती है वो कच्चा पपीता या इस मीट टेंडराइज़र पाउडर यानी कचरी पाउडर से आ जाता है, और बहुत ही गले हुए और मज़ेदार से कबाब रेडी हो जाते हैं। तो बस इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से कीमे में मिक्स करके इसको मैरिनेट कर लेना है अराउंड 1/2 to 1 आवर के लिए, जितना अच्छा मैरिनेशन मिलेगा। उसके बाद क्या करना है, आपने कबाबों को शेप दे देना है। शेप की ज़रूरत कोई बहुत परफेक्ट गोल नहीं है, आप चाहे तो जिस तरह का भी शेप देना चाहें आप उसको दे सकते हैं। उसके बाद बस हमने इसमें उसको क्या करना है, डीप फ्राई नहीं करेंगे हम, इसको शैलो फ्राई करेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त से ये कबाब हमारे फ्राई हो जाते हैं बिल्कुल स्लो फ्लेम में। हम इसको शैलो फ्राई कर लेंगे क्योंकि कीमा हमारा कच्चा है, तो तेज़ फ्लेम में इसको हमें नहीं करना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम में। तो देखिए एक साइड जो है अच्छा कलर आ चुका है, तो अब मैं इसकी साइड जो है वो चेंज कर रही हूँ। तो बस इस तरह थोड़े थोड़े करके हमने जो है अपने कबाब्स को रेडी कर लेना है।
तो गाइस बहुत मज़ेदार से यमी से और जल्दी बन जाने वाले कबाब होते हैं। आप इसको रायता, चटनी, पराठा, नान जिसके साथ भी सर्व करना चाहें, पुलाव के साथ भी ये गलौटी कबाब बहुत मज़ेदार से लगते हैं। और आगे रमज़ान आ रही है तो इफ्तार आइटम्स के लिए भी ये कबाब बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। सो गाइस ये देखिए बहुत ही मज़ेदार से गलौटी कबाब हमारे रेडी हैं चटनी और रायते के साथ, प्याज और टमाटर खीरों के साथ इसको सर्व करें, नान पराठे के साथ इसको इंजॉय करें। तो गाइस अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड डू ट्राई दिस रेसिपी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।